नमस्कार दोस्तों, कैफे रंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुंदरी का भरुआ, तो आइए देख लेते हैं। ये 250 ग्राम कुंदरू, इसको धो के हम ले लिए हैं। इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसका दोनों साइड से ये डंठल काट के हटा देते हैं और बीच से हम चीरा लगाएंगे। इस तरीके से नीचे से पूरा जुड़ा रहेगा और बीच से इस तरीके से इसमें हम मसाला डालेंगे। सारे कुंदरू को हम इसी तरह कट कर लेते हैं। सबको इसी तरीके से हम काट लेते हैं। इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हम तीखा कम खाते हैं तो तीखा कम डालें। नमक 1/4 छोटी चम्मच, गरम मसाला चुटकी भर, ये आमचूर पाउडर है, आधी छोटी चम्मच, ये थोड़ा सा हम सौंफ डाल देंगे। सबको हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले को। ये सारा मसाला मिक्स हो गया है, अब हम इसको रख देते हैं। इधर कुंदरू को कट कर लेते हैं। सारे कुंदरू को हम इस तरीके से बीच से कट कर दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मसाला डालते हैं, ये जो मसाला बना के रखे हैं हाथ से ही डाल देते हैं, अच्छा से मसाला लगेगा। इस तरीके से दाब दाब के मसाला लगा दिए। ये सारे कुंदरू हम भर लिए हैं, सब में मसाला डाल दिए हैं। गैस पर एक बर्तन रखे हैं, उसमें हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाले हैं। अब इसमें हम एक एक कुंदरू को इसमें डालते जाते हैं। तरीके से हम सारे इसमें डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। इसको पलट पलट के इसी तरह पकाना है। इसको हम ढक देते हैं और गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिए हैं। देखते हैं
ये टाइट हो गया है, इसको हम इसी तरीके से पलट पलट के बना लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसको फिर ढक देते हैं, ढक के छोड़ देते हैं। बनके तैयार हो गया है, देखिए सब पक गया है बहुत अच्छे तरीके से। हम गैस को बंद कर देते हैं, ये बन के तैयार हो गया है। सारा कुंदरू भर के तैयार हो गया है बन के। ये भरुआ कुंदरू बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।